आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बीती रात लगभग 2 बजे धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा। दरअसल मंगलवार 27 फरवरी और बुधवार 28 फरवरी के दरमियानी रात लगभग 2 बजे धुआं उठ रहा आपको रिहायशी क्षेत्र में दिख रहा होगा। यहां एक फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री ही कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बल्क में बड़ी तादाद में नमकीन मीठा यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। रिहायशी बहुत ही सघन बस्ती यहाँ है और सघन बस्ती में आग की लपटें आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत दूर से ये आपको स्थिति हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ये देखिए, इतनी तंग गली, रात में यहाँ दमकल को घुसने में भी पसीना आ गया। सर्द हवाएं चलती रहीं और दमकल जब अंदर घुस रही थी तो दमकल को घुसने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। महावीर वार्ड स्थित ये मिष्ठान भंडार आपको दिख रहा होगा और इस मिष्ठान भंडार के में आग अंदर लगी। ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। अंदर भारी तादाद में खाद्य तेल रखा हुआ था जिस तेल से ये मिठाइयाँ और नमकीन बनाया जाता है। इस जो यहाँ खाद्य तेल रखा हुआ था, खाद्य तेल के जो चर्चाएं चल रही हैं, पुष्ट खबरें तो नहीं है, चर्चाएं इस तरीके की चल रही हैं कि लगभग 280 पीपे खाद्य तेल रखा हुआ था, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए थे, सब जल बहुत ज्वलनशील होने के कारण यहाँ आग बहुत तेज़ी से फैलती गई। और बहुत ही राहत की बात थी, देखिए मकान जो लगे हुए लगे बीच में, कहीं आपको दो मकानों के बीच में माफ़ कीजिएगा, कहीं गली भी नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर ये आग फैलती आजू बाजू वाले घरों में फैलती तो ये इतनी सघन बस्ती है कि यहाँ बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल होता यह है, जब भी कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, उस दुर्घटना के घटने के उपरांत प्रशासन हरकत में आता है, शासन हरकत में आता है। जैसे जबलपुर में एक बार अस्पताल को लेकर जांच चालू हुई, पूरे प्रदेशों के अस्पतालों के लेकर जांच चालू हुई, फायर ऑडिट हुआ, पर कहां कितना सुधार हुआ कोई नहीं जानता। अभी हाल ही में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, सब जगह ज्वलनशील पदार्थों की जांच कराई गई, पर उसके बाद कहां कितनी सामग्री शहर के बाहर कराई गई, इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये सिवनी शहर का महावीर वार्ड और यहां पर घर आपस में ऐसे जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 28 फरवरी की सुबह का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सुबह भी यहां पर पानी डाला जा रहा है, आग यहां पर लगी हुई थी। वास्तव में प्यास लगने पर कुआं खोदने की परंपरा जो प्रशासनिक स्तर पर चलती है उसकी निंदा करनी चाहिए। सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायक, सभी को चाहिए कि वे सिवनी शहर में प्रशासन के साथ एक बार निरीक्षण करें। होटल्स की रसोई समझा जा सकता है, होटल की रसोई में कितना गहरा काला धुआं आपको यहां दिखाई दे रहा होगा और आग की लपटें भी आपको निकलती हुई यहां दिखाई दे रही होंगी। करीब से भी हम आपको दिखाएंगे आग की लपटें किस कदर निकल रही हैं। और हम आपको बता रहे थे कि होटल्स में उनकी रसोई में जो सामग्री बनती है वो एक अलग बात होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर सामग्री एकत्र नहीं होती, पर अगर बल्क में, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में नमकीन या मीठा बनाया जाए तो उसके लिए बहुत सारी सामग्री एकत्र करके रखने की ज़रूरत होती है। रिहायशी इलाकों में इसकी इजाज़त कतई नहीं दी जानी चाहिए, पर सिवनी में देखिए कितनी तंग गली है और इस तंग गली के अंदर एक कारखाना चल रहा था और इस तरीके के कारखाने शहर में कई जगहों पर चल रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगरपालिका परिषद को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल
उन्हें भी स्वसंज्ञान से शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरीके के कारखाने हैं उन्हें शहर के बाहर करने की समय सीमा में, दरअसल होता ये है अमूमन यही बात देखी गई है कि प्रशासन तो अपना दायित्व पूरा कर देता है, प्रशासन अपने निर्देश जारी कर देता है, पर उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने की फुर्सत शायद किसी को नहीं रहती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मौके पर जो चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं के अनुसार रात 2 बजे भड़की ये आग बहुत गंभीर रूप ले रही थी और आस पड़ोस के लोग सुबह 5:30 और 6 बजे पौ फटने के बाद भी घरों से पानी ला ला कर इसमें डाल रहे थे ताकि उनके घरों वे अपने घरों में सुरक्षित रहें, किसी और के घर में ये आग ना फैल पाए इसके लिए उनके द्वारा लगातार ही प्रयास किए जाते रहे। इस मामले में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सांसद, विधायक, सभी को इस मामले में गंभीरता से विचार करने की बहुत ज़रूरत है। सिवनी शहर के अंदर जितने भी इस तरीके के कारखाने चल रहे हैं, बहुत सारे कारखाने रिहायशी क्षेत्र में, सिवनी में अनेकों जगहों पर ऐसे कारखाने चल रहे हैं, खाद्य पदार्थों के कारखाने। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उपसंचालक खाद्य और औषधि प्रशासन भी होते हैं उनके अधीन फूड एंड ड्रग्स जो काम करता है विभाग, उस वो यदा कदा कहीं कहीं जाकर सैंपलिंग कार्रवाई करता है। सवाल यही है कि उनका मूल दायित्व क्या है? नगर पालिका के अग्निशमन विभाग का मूल दायित्व क्या है? राजस्व विभाग के अधिकारियों के मूल दायित्व क्या हैं? लोगों के जो जनता के जान माल की रक्षा करना उन्हें उनकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटी, ये तो सौभाग्य की बात है कि कोई बड़ी अनहोनी यहाँ नहीं हो पाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि रात को 2 सिलेंडर फूटे और बाकी सिलेंडर उनके द्वारा यहाँ पर 8-10 लोग जो कर्मचारी सो रहे थे उनके द्वारा बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बाहर निकाला गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।